फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम न्यूज़पेपर की हेल्प से माँ सरस्वती की बड़ी सी मूर्ति बनाना सीखेंगे। और मेरा विश्वास है आज से पहले किसी ने भी यूट्यूब पे आपको इस टाइप से सरस्वती जी का मूर्ति बनाना नहीं सिखाया होगा। और फ्रेंड्स, इस मूर्ति को बनाने में मैंने थोड़ा सा भी मिट्टी का यूज नहीं किया है, सारा रद्दी कागज और न्यूज़पेपर की हेल्प से बनाया है। और दिखने में ये जितना बड़ा है उतना ही इसका वेट कम है, बहुत ही हल्का ये मूर्ति बना है। और यह मूर्ति एकदम इको फ्रेंडली है, आप आसानी से पानी में इस मूर्ति को गला सकते हो। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मूर्ति को बनाने से पहले हम मूर्ति के नीचे का बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए आप यहाँ पे लकड़ी या प्लाई का यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लकड़ी के टुकड़े का यूज किया है और सबका माप मैंने लिख दिया है, आप इन सबका स्क्रीनशॉट लेते जाना। इस टाइप से तीनों लकड़ी को सेट करने के बाद ऊपर से मैंने देखे तीनों को ज्वाइंट करने के लिए एक छोटा लकड़ी लगाकर इसको कांटी से ठोक लिया है। लोहे की कील को हथौड़ी की हेल्प से इस टाइप से ठोक लेंगे ताकि तीनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाए, कुछ इस प्रकार से। आप ध्यान से देखिए। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत सारा कमेंट आ रहा था मुझे कि भैया, जैसे आपने पिछले साल माँ सरस्वती का मूर्ति बनाना सिखाया था 2 फीट का, सेम ऐसा ही न्यू डिजाइन में इस साल भी आप मूर्ति बनाना सिखाओ। पर मेरे पास टाइम बहुत कम था और मिट्टी से अगर मूर्ति बनाता तो इतना जल्दी संभव नहीं हो पाता, नहीं बन पाता। और हमारे यहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा है, धूप भी नहीं निकल रहा है, जिस कारण मिट्टी का मूर्ति भी नहीं सूख पाता। तो मैंने कुछ दिमाग लगाया, बहुत सोचा, फिर सोचा कि चलो न्यूज पेपर से ट्राई करते हैं। और ये मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा ट्राई किया है, मैंने नहीं सोचा था कि इतना परफेक्ट मूर्ति बन पाएगा। पर जब पूरा फाइनल लुक बनकर रेडी हुआ तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैंने न्यूज पेपर से बनाया है। वैसे मैं अपने हर वीडियो में कुछ अलग करना चाहता हूँ से हटके, जो किसी ने नहीं किया हो। हमेशा से बस यही कोशिश रहती है कि मैं अपने हर एक वीडियो में आपको कुछ अलग सिखाऊं, अलग तरीका बताऊं। और आप लोगों को भी मेरी यही चीज अच्छी लगती है, जिस कारण मैं उतना अच्छा ना मूर्तियां बनाता हूं ना उतना अच्छा आर्टिस्ट हूं, फिर भी आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, तो ये सब देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, हमने लकड़ी को ठोक कर देखे मूर्ति के नीचे का बेस बना लिया है चौकी जैसा। अब मूर्ति को बनाने के लिए हमने एक बम्बू लिया है जिसका हाइट करीब 18 इंच है। वैसे आपको जितना बड़ा मूर्ति का हाइट रखना हो उसी हिसाब से बम्बू का हाइट रखे। ये थोड़ा छोटा पड़ गया था तो मैंने ऊपर से और भी बम्बू लगाया था। अब हम बम्बू को जो बेस बनाया है लकड़ी का उसमें हम ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने के लिए हमने देखे बम्बू में 4 कील को ठोक दिया है चारों तरफ से। और इसी प्रकार हम जहाँ पे सेट करेंगे इस बम्बू को तो उसी के सामने नीचे लकड़ी में भी हम 4 कील ठोक लेंगे, कुछ इस प्रकार से चारों तरफ से एक एक कील ठोक लेंगे बम्बू वाले कील के सामने। और लोहे के पतले वायर की हेल्प से इस टाइप से ज्वाइंट कर देंगे, देखिए दूसरे कील में फंसा देंगे। और मैंने यहाँ पे एक करके दिखाया है, सेम इसी टाइप से तीनों साइड से भी हम इसी टाइप से ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए हमने पहले से ही सब कर लिया था, पीछे से भी हमने ज्वाइन कर लिया है। और इसी के साथ यह स्ट्रक्चर बनकर रेडी है। चलिए अब हम मूर्ति को बनाते हैं। फ्रेंड्स, मूर्ति को बनाने के लिए हमने यहाँ पे न्यूज पेपर का यूज किया है। अगर आपके पास न्यूज पेपर ना हो तो आपके पास अगर पुराना कॉपी किताब ये सब हो जो आपके किसी काम का ना हो तो आप उन सब का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे न्यूज पेपर के बदले। देखिए इस टाइप से पेपर को मोड़ लेना है जैसे मैंने दिखाया है, सेम उसी टाइप से। और बहुत सारा इस टाइप से करना पड़ेगा पेपर को, देखिए हमने बहुत सारा पहले से कर लिया था। और इसको बांधने के लिए हमने ऊन का यूज किया है, पुराना ऊन भी आप यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास ऊन ना हो तो आप यहाँ पे मोटे वाले धागे या जूट की जो सुतली होती है जिससे मूर्ति को बांधा जाता है उसका भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम मूर्ति का पैर बनाना सीखेंगे, पैर को हम कैसे बांधेंगे वो हम सिखाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने यहाँ पे कैसे किया है। देखिए पेपर को इस टाइप से मोड़ लेना है और 2 पेपर को ऊपर के साइड निकाल लेना है, ये हम बाद में इसका यूज करेंगे। देखिए नीचे के साइड अब मोटा करना है, मूर्ति का जो जांग होता है तो इसको मोटा करने के लिए हमने देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारा पेपर यहाँ पे ऐड किया है। और इसको इस टाइप से बांधेंगे, जैसे पुआल से जैसे बांधा जाता है सेम उसी टाइप से इसको भी बांधना है, बहुत ईजी है, देखिए इस टाइप से बांधना है। फ्रेंड्स, मैंने पिछले साल धान के पुआल से मूर्ति को बांधना सिखाया था, अगर आपको देखना हो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो आप मेरे चैनल पे जाकर। पैर का जो जांग है उसे हमने बना लिया है। अब यहाँ से हम देखें घुटने के पास से हम मोड़ेंगे, इसको फोल्ड करेंगे इस टाइप से। और फिर यहाँ पे भी हम ऊन से इस टाइप से लपेटेंगे जैसे ऊपर के साइड हमने लपेटा था। आप ध्यान से देखिए, मेरे बातों से ज़्यादा आप मेरे हाथों पर ध्यान दीजिए मैंने कैसे किया है। और जहाँ पे आपको पतला लगे वहाँ पे आप अंदर से फिर थोड़ा सा पेपर ऐड करके इस टाइप से मोटा कर सकते हो। फ्रेंड्स, पेपर को बांधते टाइम आपको लगे कि यह पतला है तो आप इसमें पेपर और ऐड करना, क्योंकि इसके ऊपर हम मिट्टी का कोई लेयर वगैरह नहीं लगाएंगे, तो इसीलिए आप मोटा मोटा बनाते जाना। अगर आप पतला बनाओगे तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। चलिए फटाफट मूर्ति के पैर को हम बना लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मूर्ति के एक पैर को बनाकर दिखा दिया है और सेम इसी टाइप से मैंने दूसरे पैर को भी बना लिया था पहले से। अब इसको हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, पर ज्वाइंट करने से पहले हम मूर्ति के बॉडी को बनाएंगे। तो देखिए हमने पैर को हटा दिया है, बॉडी के लिए जो हमने बम्बू लगाया था वो थोड़ा छोटा पड़ गया है तो इसमें मैंने एक दूसरे बम्बू को लगा दिया है गर्दन बनाने के लिए, पेपर कम लगे इसीलिए मैंने बॉडी को मोटा करने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड को लपेटा है बम्बू में और इसको बांध लिया था। और उसके बाद इसी के ऊपर हम पेपर को लगाएंगे। तो इस टाइप से पहले बांधने के बाद अब हम पेपर को लगाएंगे और बीच में हम एक गांठ बांध लेंगे पहले और उसके बाद ऊन से लपेटेंगे।
तो आप ध्यान से देखिए हमने बॉडी को कैसे बनाया है। और आप लोग पेपर में कंजूसी मत करना, कम पेपर लगाओगे तो वो मूर्ति अच्छा नहीं बनेगा, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए जहाँ पे पेपर लगे वहाँ पे आप लोग लगाना पेपर। और फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस मूर्ति को बैठे हुए पोजीशन में क्यों बनाया है, तो पिछले साल जो मैंने मूर्ति बनाया था वो खड़े पोजीशन में बनाया था, तो इस बार सोचा कि चलो मूर्ति को बैठे हुए पोजीशन में बनाऊंगा। फ्रेंड्स इस मूर्ति को हमने सोफा के ऊपर बैठे हुए बनाया है, नीचे का जो लकड़ी दिख रहा है इसे हम सोफा का लुक देंगे नेक्स्ट वीडियो में, कार्डबोर्ड की हेल्प से हम इसे सोफा का लुक दे देंगे। जो हमने मूर्ति का दो पैर बनाया था इसे आगे के साइड जो थोड़ा थोड़ा पेपर निकला था उसी को हम देखिए इस टाइप से ज्वाइंट कर देंगे और ऊन से अच्छे से मजबूती से बांध देंगे। पैर को ज्वाइंट करते टाइम अगर आपको वहाँ पे ढीला ढीला लगे तो कुछ और पेपर अलग से ज्वाइंट करके और इस टाइप से बांध सकते हो। मैंने यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा पेपर भी दोनों साइड ऐड किया था। फ्रेंड्स मूर्ति का जो बॉडी है वो पतला दिख रहा था, तो वहाँ पे भी मैंने इस टाइप से पेपर को गोल गोल बनाकर और देखिए बहुत सारा बनाकर इस टाइप से बॉडी में चिपकाकर और बांधा था ऊन से, देखिए इस टाइप से पहले से मैंने कर लिया था। अब हम मूर्ति का हाथ बनाएंगे, तो हाथ बनाने से पहले हम मूर्ति का कंधा बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी हमने कुछ पेपर को लगाकर और अच्छे से बांध देंगे कुछ इस प्रकार से, और साइड साइड से जो पेपर निकला हुआ है इसको इसी टाइप से हम छोड़ देंगे, जब हाथ ज्वाइंट करना हो उस टाइम यह पेपर काम आएगा, देखिए इस टाइप से बांध लेना है। चलिए अब हम मूर्ति का हाथ बनाना सीखते हैं। तो हाथ को भी सेम मैंने उसी टाइप से बनाया है जैसे मैंने मूर्ति के पैर को बनाया था, और यहाँ पे भी मैंने एक ही हाथ को बनाकर दिखाया है, सेम इसी टाइप से आप दूसरे हाथ को भी बना लेना। चलिए फटाफट हम मूर्ति के एक हाथ को बना लेते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स सरस्वती पूजा के दिन मैं इसी मूर्ति को अपने घर पे बैठाऊंगा और मंडप का जो डेकोरेशन करूंगा उसका भी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, सो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, मैं उसका भी वीडियो लाऊंगा बहुत ही जल्द। फ्रेंड्स हमने मूर्ति के एक हाथ को बना लिया है और सेम इसी टाइप से दूसरे हाथ को भी हम बना लेंगे। अब चलिए हाथ को हम बॉडी से ज्वाइंट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से पेपर को मोड़ लेना है और इसके बाद जो इसमें पेपर निकला हुआ इन दोनों को एक दूसरे से सटाकर और बांध देना है ऊन से कंधे के पास। आप ऊपर से भी पेपर ऐड करके अच्छे से मजबूती से बांध सकते हो। देखिए मैंने इस टाइप से एक हाथ को बांधा है और सेम इसी टाइप से दूसरे हाथ को भी बांध लेंगे। चलिए फटाफट दोनों हाथ को हम बांध लेते हैं। फ्रेंड्स हमने मूर्ति के दोनों हाथ को देखिए बॉडी से ज्वाइंट कर दिया है। अब हम कुछ इस प्रकार से पेपर को मोड़कर और सीने के पास भी हम इस टाइप से पेपर लगाकर इसको भी अच्छे से बांध लेंगे कुछ इस प्रकार से, आप ध्यान से देखिए। अब हम मूर्ति का गर्दन बना लेंगे, तो जो गर्दन के पास लकड़ी निकला हुआ है उसी में पेपर लपेटकर और इस टाइप से गर्दन को भी बना लेंगे। फ्रेंड्स हमने मूर्ति के गर्दन को भी बना लिया है और बॉडी में जहाँ जहाँ पे पेपर कम दिख रहा था वहाँ पे मैंने और भी पेपर ऐड करके अच्छे से बांध लिया था, और देखिए यह मूर्ति का स्ट्रक्चर बनकर रेडी है। और अब हम सरस्वती जी के वाहन हंस को बनाएंगे, तो हंस को बनाने के लिए देखिए हमने बॉडी बना लिया था पहले से इस शेप में और ये गर्दन भी मैंने पहले से बना लिया था। इन दोनों को इस टाइप से ज्वाइंट करके और गर्दन के पास हमने देखिए दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पेपर और ऐड किया है और इस टाइप से ऊन से बांध लेंगे, दोनों को एक दूसरे से ज्वाइंट कर लेना है। और इसी के साथ हंस भी बनकर रेडी है, देखिए हमने हंस को भी बना लिया है। अब इस हंस को हम सरस्वती जी के बगल में रख देंगे और इसी के साथ मूर्ति का जो स्ट्रक्चर है बनकर रेडी हो चुका है। अब हम एक कटोरी लेंगे और उसमें फेविकोल डालेंगे। फेविकोल डालने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे और दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक पतला घोल बनाएंगे फेविकोल का, और जब घोल बन जाए उसके बाद हम फिर न्यूज पेपर लेंगे और इसको छोटा छोटा टुकड़े में फाड़ लेंगे बहुत सारा, देखिए यहाँ पे आप कॉपी किताब का भी यूज कर सकते हो। और इसको फाड़ने के बाद इस पर हम फेविकोल को लगाएंगे और इस टाइप से चिपकाएंगे पूरे बॉडी पे, इसी टाइप से पेपर को चिपकाना है। आप यहाँ पे व्हाइट पेपर का भी यूज कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे न्यूज पेपर का यूज किया है। तो चलिए हम फटाफट पूरे बॉडी पे चिपका देते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही करके दिखाया है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही करके दिखाया है, इसी टाइप से आप पूरे में कर लेना, मैंने पहले से पूरे में कर लिया था। आप यहाँ पे दो तीन लेयर भी चिपका सकते हो पेपर को जब तक यह दिखने में अच्छा ना लगे, देखिए हमने दो तीन लेयर चिपका लिया था। सेम इसी टाइप से जो हमने हंस बनाया था इसके ऊपर भी पेपर को चिपका लेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से।
फ्रेंड्स, हमने हंस के पूरे बॉडी पे भी न्यूज़पेपर को चिपका दिया है। देखिए, पहले से हमने इसे चिपका लिया था और इसके बाद ये जो मेरे हाथ में दिख रहा है ये है पेपर क्ले। इसे मैंने कार्डबोर्ड की हेल्प से इस क्ले को बनाया था। अगर आपको देखना हो कि ये क्ले मैंने कैसे बनाया तो इसका वीडियो मैंने कल ही डाला था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख लेना। बहुत ही ईजी है इस क्ले को बनाना। और इसी क्ले की हेल्प से हम मूर्ति के हाथ और पैर की उंगलियां बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पैर की उंगलियां बनाएंगे। तो देखिए कि कुछ इस प्रकार से हम छोटा छोटा पैर की उंगलियां को पहले बना लेंगे। हमने बस एक बेसिक स्ट्रक्चर पहले बनाया है, इस टाइप से बना लेंगे और उसके बाद इसका क्लीनिंग करेंगे। देखिए, इस टाइप से पहले हमने कहां कहां पे क्ले का यूज किया है। पैर का जो शेप होता है वो हमने मोटा मोटी क्ले की हेल्प से देखिए बना लिया है। अब इसको क्लीन करने के लिए हमने उंगली में हमने पानी लगा लिया है और उसी की हेल्प से इसको क्लीन करेंगे। मिट्टी जितना फिनिशिंग नहीं आ पाएगा क्योंकि यह पेपर क्ले है, पर फिर भी हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पे हमने टूल्स का भी यूज किया है उंगली का शेप देने के लिए कुछ इस प्रकार से, और देखिए हमने क्लीन कर लिया है। अब हम टूल्स की हेल्प से पैर के नाखून को बना लेंगे। तो आप यहाँ चाकू का भी यूज कर सकते हो पैर की उंगलियाँ बनाने के लिए, देखिए इस टाइप से। अब दूसरे पैर को भी सेम इसी टाइप से हम बना लेंगे। मैंने एक ही पैर को करके दिखाया है यहाँ पे, और देखिए सूखने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये ड्राई हो चुका है। अब चलिए हाथ की उंगलियाँ को बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमने फेविकोल लगा दिया था पेपर के ऊपर और उसी के ऊपर इस क्ले को चिपकाया है। इस टाइप से देखिए क्ले को लगाना है और इसके बाद अब उंगलियां बनाएंगे, देखिए लंबा लंबा, और इसको यहाँ पे लगाएंगे। हमने यहाँ पे डायरेक्ट उसी टाइम उंगलियां बना बना के लगाया था, तो उंगलियां चिपकाते टाइम थोड़ा दिक्कत हो रहा था, गिरने का डर लग रहा था। पर आप क्या करना कि पहले से उंगलियां बना लेना और थोड़ी देर उसको सूखने के बाद तब ज्वाइंट करना। दूसरे वाले हाथ में मैंने पहले से ही उंगलियां बना लिया था और उसको वहाँ पे चिपकाया था। अब ध्यान से देखिए हमने हाथ को कैसे बनाया है। चार उंगलियां लगाने के बाद एक अंगूठा को भी लगा दिया है और कहाँ कहाँ पे मैंने क्ले का यूज किया है यार ध्यान से। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि भैया प्लीज आप अयोध्या के रामलला की मूर्ति बनाओ। तो आप लोग चैनल पे बने रहेगा क्योंकि बहुत ही जल्द मैं उस मूर्ति को भी बनाने वाला हूँ, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं सरस्वती पूजा के बाद उस मूर्ति को बनाने वाला हूँ। जब पांचों उंगलियां बन जाए तो उसके बाद हम अपने उंगली में पानी लगाकर अच्छे से इसको क्लीन कर देंगे और टूल्स की हेल्प से उंगली का देखिए अच्छे से शेप भी दे देंगे जहाँ पे गड़बड़ हो, और देखिए कुछ इस प्रकार से। और ड्राई होने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। चलिए दूसरे हाथ को बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हमने पहले फेविकोल लगा दिया था पेपर के ऊपर और उसके बाद मैंने इसके ऊपर क्ले का यूज किया है, पेपर क्ले का यूज किया है। अब हम हाथ की उंगली को बनाएंगे। तो इस टाइप से देखिए क्ले को लंबा लंबा रोल करके हम पतला पतला क्वाइल बना लेंगे इस कुछ इस प्रकार से, और इसको क्लीन कर देंगे उंगली में पानी लाकर। टूल्स की हेल्प से इसके नाखून को बना लेंगे। आप यहाँ पे टूल्स के बदले नेल कटर का भी यूज कर सकते हो। और इसी टाइप से हमने चार उंगली और एक अंगूठा बना लिया था और इसे 2 घंटे तक ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैं इसे यहाँ पे ज्वाइंट किया है क्ले की हेल्प से इसे रखकर। उंगली को लगाने के बाद साइड साइड से हम थोड़ा सा क्ले लगाकर इसको ज्वाइंट करेंगे कुछ इस प्रकार से, तभी अच्छे से चिपक पाएगा। और जब चारों उंगलियां लग जाए तो साइड से एक अंगूठा को भी लगा देंगे। फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए मैंने कहां कहां पे क्ले का यूज किया है क्योंकि मैंने यहां पे एकदम डिटेल में बताने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, मेरा एक और ब्लॉग का चैनल है, उस चैनल का नाम है आनंद का ब्लॉग। अगर आपको देखना हो कि मैं अपने घर पे सरस्वती पूजा कैसे करता हूँ, विसर्जन कैसे करता हूँ, तो उन सब का भी ब्लॉग मैं बनाकर डालूंगा अपने ब्लॉग वाले चैनल पे। सो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, हमने मूर्ति के दोनों हाथ और पैर की उंगलियां को बना लिया है और इसी के साथ मूर्ति के फेस को छोड़कर बॉडी के पूरे पार्ट को हमने बना लिया है। इसके बाद जो हमने हंस बनाया था इसके ऊपर भी हम क्ले लगाएंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, डायरेक्ट इसके ऊपर कलर कर देना, पर थोड़ा रियलिस्टिक लगे इसके लिए मैंने इसके ऊपर भी क्ले लगा दिया है। तो क्ले लगाने से पहले इसके ऊपर फेविकोल लगाना है पेपर के ऊपर और उसी के ऊपर इस क्ले को चिपकाना है, और क्ले को चिपकाने के बाद उंगली में पानी लगाकर अच्छे से क्लीन करना है कुछ इस प्रकार से। तो चलिए फटाफट हंस के पूरे बॉडी पे क्ले को चिपका हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बस थोड़ा सा ही क्ले लगाकर दिखाया है और बाद में मैंने पूरे बॉडी पे चिपका लिया था क्ले को। अब हम हंस के आइज को बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमने आइज को कैसे बनाया है। यहाँ पे भी हमने टूल्स का यूज किया है। आपके पास अगर टूल्स ना हो तो आप यहाँ पे इस टाइप से मोटे वाले सुई या चाकू की हेल्प से भी आइज का डिटेलिंग कर सकते हो इस टाइप से। और जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर देखिए इस टाइप से हमने लंबा लंबा लकीर खींचा है। हंस के बॉडी पे दोनों साइड से सेम इसी टाइप से लंबा लंबा लकीर खींचना है। और हंस का जो पंख है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाना सिखाऊंगा आपको, और ड्राई होने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब हम मूर्ति के फेस को बनाएंगे। तो फेस को मैंने इस मोल्ड से बनाया है और इस मोल्ड का वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैंने पिछले साल बनाकर दिखाया था। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। बस मैंने इस मूर्ति के फेस को बनाने के लिए थोड़ा सा मिट्टी का यूज किया है, बाकी पूरे बॉडी को मैंने पेपर से ही बनाया है। और इस टाइप से फेस को लगाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइंट करने के लिए थोड़ा सा वॉल पुट्टी का यूज किया है। बस यहाँ पे आप यहाँ पे डायरेक्ट पेपर क्ले का भी यूज कर सकते हो, उससे भी चिपका सकते हो, पर मैंने मजबूती के लिए हल्का सा वॉल पुट्टी यहाँ पे लगाया है।
है। मैं चाहता तो पेपर क्ले की हेल्प से भी फेस को बना देता, पर वो दिखने में उतना सुंदर नहीं लगता, इसीलिए मैंने मिट्टी का यूज किया है। और ऊपर जो खाली था इसको ढकने के लिए एक कटोरी जैसा मैंने बना लिया था मिट्टी से, और उसको भी यहाँ पे वाल पुट्टी की हेल्प से चिपका दिया है सर के ऊपर। अगर आपको फेस बनाना नहीं आता हो तो जो लोग मूर्तियां बनाते हैं मूर्तिकार लोग के पास से आप एक फेस खरीद लेना कुछ पैसा देकर, और उसी का यूज कर लेना आप लोग अपने मूर्ति में। और इसी के साथ यह मूर्ति बनकर रेडी है, आप देख सकते हो। इसे मैंने व्हाइट कलर से कलर कर दिया था पूरे मूर्ति को, और उसके बाद इसका लुक देखो आप लोग। सरस्वती जी का जो बीना है इसे मैंने कार्डबोर्ड की हेल्प से बनाया है, ये आप देख सकते हो कितना सुंदर है। और इसका भी वीडियो मैंने डिटेल में एक बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख लेना। बीना को हाथ में पकड़ा देंगे और हंस को बगल में रख देंगे और यह मूर्ति बनकर रेडी है। देखिए इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, इस मूर्ति को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। सो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जल्दी हम इस मूर्ति को डेकोरेट भी करने वाले हैं, सो आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।